So let us discuss about what is power and power rating. Power and power rating. तो वाट पावर एनर्जी आम ऑलरेडी पढ़ीचे तो पावर विषय आमको ऑलरेडी जानीचे पावर कौन तो पावर है कौन द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द सोर्स ता माने पावर डेफिनेशन आम जानचे द रेट ऑफ डूइंग वर्क रेट ऑफ डूइंग वर्क माने जितनी की परिमाण ले वर्क डन होची ताकु कोन कहंती ना पावर त माने रेट ऑफ डूइंग वर्क माने रेट माने कोन ऑब्वियसली टाइम अनुसार जितनी की हम को मिलची जितनी की स्पेंड होची त माने आमे को कह परबा मैथमेटिकली वर्क डन पर यूनिट टाइम दैट इज ऑल्सो पावर या फिर द रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर आम कहपर द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द सोर्स बाय द सोर्स ऑफ वोल्टेज द पावर फॉर्मूला ला वर्क डन पर यूनिट टाइम ताको जदि मैं अलग डेफिनेशन को देखिबा ताले हमें ताको एमते भी मॉडिफाइड करि परबा कि रेट ऑफ डूइंग वर्क ता माने कौन जितकी मात्रा रे वर्क डन हेउची तो वर्क डन को किमिति होची हीट फॉर्म करके होची से हीट फॉर्मेशन करूची ता माने मैं को इन अदर वर्ड्स रे कहि परबा हीट डेवलप्ड पर यूनिट टाइम हीट डेवलप्ड पर यूनिट टाइम इज आल्सो नोन एज पावर द पावर ऑफ फॉर्मूला कौन हम पी इज इक्वल टू हीट डेवलप्ड इट इज एच अपन टाइम इट इज टी माने आरो यूनिट हम जे देखिबा आरो यूनिट हम अरे यूनिट हम कौन हीट रो हमें जानी से हीट रो यूनिट है कौन हमें बाहर कटले हीट रो है जूल हीट माने कौन हीट फॉर्म होची हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी तो एनर्जी रो हमें जानी से जूल और कैलोरी तो एसआई को जदि हमें कंसीडर करबा ताहले हमें ठीक कौन लिखबा जूल जूल पर टाइम रहला सेकंड तो जूल पर सेकंड को हमें कौन कौन ना वाट को तो पावर रो यूनिट है वाट पावर रो यूनिट है वाट तो नॉर्मली वाट माने कौन वाट माने हला धरि नियो मो पाखरे गोटे बैटरी अछि एरा गोटे बैटरी अछि एठे लिखा है छि केते 12 वाट तो ये बैटरी लिखा है छि 12 वाट तो 12 वाट रो पावर ता माने से सॉरी बैटरी कहली सॉरी इट्स माय मिस्टेक बॉल तो बॉल रो पावर से दे छि 12 वाट तो 12 वाट माने कौन वाट रो फार्मूला में कह जान छि जूल पर सेकंड तो वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड ता माने 12 वाट माने हला 12 जूल डिवाइडेड बाय सेकंड 1 सेकंड ता माने ईच सेकंड रे बा 1 सेकंड रे से कौन करू छी ना 12 जूल अमाउंट रो एनर्जी स्पेंड करू छी ता माने से बॉल टा को जते बेले हमें कनेक्ट करबा तो सेते बेले से कौन करिबो ना 12 जूल एनर्जी स्पेंड करिबो ईच सेकंड रे प्रतिटी सेकंड रे से 12 जूल एनर्जी खाई जीवो बा स्पेंड कर दबो ता माने हला से जदि धरि नियो गोटे 200 वाट रो किछि बे अप्लायंस अछि ता माने हला कोन से 200 जूल एनर्जी स्पेंड करिबो ईच सेकंड रे ईच सेकंड रे से कौन करिबो 200 जूल एनर्जी को कौन करिबो ना स्पेंड करिबो बा सार दबो जदि हमें तरह मैथमेटिकल फॉर्मूला देखिबा ताहले पावर ऑफ फॉर्मूला कौन हबो तो हमें हीट रो फॉर्मूला जानचे हीट रो फॉर्मूला रो हमें कौन करि परिया जेहेतु एटा हीट अपॉन टाइम तो हीट रो फॉर्मूला जेहेतु हम पाखे ऑलरेडी अछि तो हीट रो फॉर्मूला रो हमें कौन करि परिबा ना पावर ऑफ फॉर्मूला बाहर करि परिबा तो हीट रो फॉर्मूला हमें जानतिले गोटे फॉर्मूला ला आई स्क्वायर
आर टी आउ गोटे फर्मूला आम कौन जानी भि स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई टी आउ गोटे फर्मूला आम जानी भि आई टी तो पावर जदि है एज अपन टाइम तो ये केते ही जीवो आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय टी 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 कैनसल्ड आउट तो आई स्क्वायर आर तो पावर रो गोटे फर्मूला है आई स्क्वायर आर एठी कौन हम पी इज इक्वल टू से एच बाय टी तो एच एठी केते अच्छी एच अच्छी भि स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय आई डिवाइडेड बाय टी एच बाय टी 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 कैंसल तो पी इज इक्वल टू बाहर ला केते भि स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई सॉरी आर देन एटी पी इज इक्वल टू एच बाय टी तो पी इज इक्वल टू भि आई टी डिवाइडेड बाय टी कैंसल आउट टू टी तो पी इज इक्वल टू भि आई तो इटी जमती आमर हिट राम पाखे थिला केतरा तीनटा इक्वेशन सेमती ही आम पाखे पावर रो भी बाहर ला कौन तीनटा इक्वेशन तो ए तीनटा इक्वेशन रो आम कौन बाहर करले ए फॉर्मूला को आम केते बेले यूज करबा जते बेले करेन्ट कौन थी कन्स्टांट थी तमें ए केस रे आम कौन रखले जिते बेले आई कौन थी कन्स्टांट थी तो एट वेरा डिराइव होती ए फॉर्मूला भी आम से यूज करवा जिते बेले आई कौन थी ना कन्स्टांट थी जिते बेले करेन्ट कन्स्टांट थी एटा कौन एटा है जिते बेले आम वोल्टेज कन्स्टांट थी पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज कौन थी कन्स्टांट थी तो ये भी कौन एठ जेहेतु ए फॉर्मूलाटा डिराइव होती ए फॉर्मूला तो एटा भी आम से केस यूज करवा जिते बेले वोल्टेज कौन थी ना कन्स्टांट थी आउ एटा नॉर्मली केतिक हिट प्रड्यूस करुची बैटरी सेते बेले आम यूज करवा ता माने एटा में बैटरी रो जिते बेले हिट केते प्रड्यूस होची सेते बेले यूज करवा ए फॉर्मूला बेटे सेट रेजिस्टेंस ही नाही तो आम कौन करवा ना बैटरी पाई आम आपको यूज करवा तो ये है तीनटा फॉर्मूला पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर पी इज इक्वल टू भि स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर पी इज इक्वल टू भि आई तीनटा आम फॉर्मूला आसला एबे आम जीबा पावर रेटिंग को पावर रेटिंग तो पावर रेटिंग रे आम कौन पढ़वा ना नॉर्मली कॉम्बिनेशंस आम कौन पढ़वा कॉम्बिनेशंस तो आम पाखे दुटा कॉम्बिनेशन ये आम यूज करू गोटे सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन आ गोटे पैरेलल कॉम्बिनेशन तो फास्ट आम देखा सीरीज कॉम्बिनेशन तो सीरीज कॉम्बिनेशन एक कौन हो ना जेकोसी भी अप्लायंस या फिर बल्ब नहीं जाओ धरनीय तीन टा बल्ब उसे कनेक्ट होती ना सीरीज रे कनेक्ट होती करेन्ट कौन फ्लो होची सेम अमाउंट रो फ्लो होची तो माने आई करेन्ट जाउची वापस भी केते आसुची आई अमाउंट रो करेन्ट आसुची धरिनियो एठी तीनटा अप्लायंस अच्छी धरिनियो बल्ब अच्छी तीनटा या फिर तो धरिनियो आर पावर हेला पी वन ए बल्ब रो पावर ए बल्ब रो पावर हेला पी टू ए बल्ब रो पावर हेला पी थ्री देन यदि आम देखा नॉर्मली आम इंडिया रे कौन करू ना तीनटाकर वोल्टेज कौन थाए ना सेम थाए कहीं आम नर्माली 220 वोल्ट ऑपरेट करू जेको भी अप्लायंस तो आप या पाखे भी जितकी वोल्टेज थी ये जितकी वोल्टेज ऑपरेट हम ये भी जितकी वोल्टेज ऑपरेट हम ये भी कौन होना जितकी वोल्टेज ऑपरेट हम तो वोल्टेज कौन रहा सेम रहा जो सोर्स रो वोल्टेज नॉर्मली आम घर मानक केमाउंट आसे नॉर्मली आम यूज करू 220 वोल्ट र सप्लाई आम पाखु आसे 220 वोल्ट आम यूज करू आ यूएसए रे आम के यूज करू 110 वोल्ट तो एतिकी आमर सरीगला देन आम जदि ये देखा ताहले आम पाखे कौन अच्छे पावर अच्छी पी कौन अच्छी गिवेन अच्छी आउ वोल्टेज भी कौन अच्छी ना गिवेन अच्छी तो जदि आम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करवा
पी आउ भी यूज करके सॉरी पी आउ भी डाटा हम पाखे अच्छे आम यदि रेजिस्टेंस कैलकुलेट करवा तो आम कौ फॉर्मूला यूज करवा तो ये तो करंट रहा आपको तो करानी तो नॉर्मली ए फॉर्मूला को यूज करवा कहीं ना हमारे पी अच्छी भी अच्छी तो आर कौन कर पार्बा ना आम आराम से यूज कर पार्बा तो रेजिस्टेंस एठी हम केमती कैलकुलेट करवा आर इज इक्वल टू भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी कहीं आम जानते पी इज इक्वल टू के भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर तो यदि पी इज इक्वल टू भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ताहले आर इज इक्वल टू के पी स्क्वायर डिवाइडेड ऑफ पी तो आर रो वैल्यू हमको बाहरी गला कि भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी वन तो माने नॉर्मली एटा हमरो बाहरी गला मात्र यदि हम यार कॉम्बिनेशन को देखिबा ये सीरीज कॉम्बिनेशन अछि सीरीज कॉम्बिनेशन ने आर इक्विवेलेंट रो फॉर्मूला हला आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री तीन टा अच्छे से आर थ्री ने जदि पांचटा था आर फाइव जाए नहीं था तो आर आर रैल्यू आम पाखे कौन अच्छे ना अलरेडी आम बाहर करदे आप कौन करवा ना सीरीज कंडीशन प्रूव करवा तो आर इक्विवेलेंट के हम दैट इज भि स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी इज इक्वल टू आर वन आर वन जदि आर इज इक्वल टू ये तेल आर वन के भि स्क्वायर डिवाइडेड बाय वोल्टेज तो सेम अच्छे तो पी वन आर टू के भि स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी टू आउ आर थ्री के भि स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी थ्री एवं कौन करवा ना आर वन आर टू आउ आर थ्री वैल्यू को आम ये पुट करवा तो आर वन जगह आम लिखा भि स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी वन प्लस भि स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी टू प्लस भि स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी थ्री एवं आम कौन करवा ना ए थ्रू भि स्क्वायर को कमन नहीं आसवा भि स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी भि स्क्वायर कमन आसे वन बाय पी वन प्लस वन बाय पी टू प्लस वन बाय पी थ्री तो भि स्क्वायर कटिगला वन बाय पी इज इक्वल टू वन बाय पी वन प्लस वन बाय पी टू प्लस वन बाय पी थ्री तो एटा आमर कौन बाहर सीरीज कॉम्बिनेशन ने पावर रो फॉर्मूला नॉर्मली हमारा कैपेसिटर रो जहाँ फॉर्मूला थाए हमें पावर रो भी से फॉर्मूला ही यूज करूँ तो कैपेसिटर रे भी कौन थे ना सीरीज थ्री वन बाई सी इज इक्वल टू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी थ्री थाए आउ पैरेलल कथा हमें वापस देखिबा तो जदि एठे हमें केस नबा बा कंडीशन हमें यूज करिबा जदि समस्त पावर कौन थी ना सेम थी तो मैंने पी वन इज इक्वल टू पी टू इज इक्वल टू पी थ्री इज इक्वल टू पी ताल कौन हम वन बै पी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बै पी प्लस वन बै पी प्लस वन बै पी तो यहाँ के पी वन प्लस वन प्लस वन तो थ्री बै पी तो वन बै पी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू थ्री बै पी पी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के हम पी बाय थ्री सेमती जदि एन नंबर ऑफ लोड अच्छे एक रजिस्टर अच्छे लोड्स आर देयर ताले कौन हम तीन टा पाई पी बाय थ्री जदि एन नंबर पाई नबा ताले पी इक्विवेलेंट के हम पी बाय एन एटा आसला मोर गोटे फॉर्मूला सीरीज रो एबे हमें देखिबा पैरेलल कॉम्बिनेशन तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में धरने आम पाखे ये आम तीन टा ही कंसीडर करते आप्लायंस ये भी कौन करना आम तीन टा ही आप्लायंस कौन कर कंसीडर करो मैंने कि कौथे अच्छे ना पैरेलल अच्छा तो ये है गोटे आप्लायंस ये है आ गोटे ये है आ गोटे तो ये आप्लायंसटार पावर धरनीय पी वन आर पावर धरनीय पी टू आर धरनीय पी थ्री एम कौथे अच्छा सीरीज सरी पैरेलल अच्छा माने पैरेलल अच्छा अच्छा पैरेलल आम कौन जानचे करेंट कौन हुए ना डिवाइड हो जाए मात्र वोल्टेज कौन थाए ना सेम थाए ता माने आ पाखे भी जैसे वोल्टेज आ पाखे भी जैसे वोल्टेज आखिर भी से वोल्टेज आमर सप्लाई वोल्टेज नॉर्मल आम इंडिया 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आम यूज करूँ
तो जदि आम पाखे ए केस रे भी पी गिवेन अच्छी आउ वोल्टेज भी गिवेन अच्छी कन्स्टांट अच्छी भी आम कहीपर भी कौन अच्छी ना गिवेन अच्छी ताल आम कौन करना आर ओबिययसली पार कर तो पी भी रु मैंने पी गिवेन थी भि गिवेन थी आर को फर्मूला यूज करके बाहर कर पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर ना आम पाखे भि गिवेन अच्छी तो ये फर्मूला पी इज इक्वल टू भि स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर तो आम ये यूज करवा पी इज इक्वल टू भि स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर तो आम पाखे पी गिवेन अच्छी पी रैल्यू भि रैल्यू भी गिवेन अच्छी तो आर इज इक्वल टू भि स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी तो ये आमर बाहरी गला आर आर रेजिस्टेंस बाहरी गला किंतु जब हम देखा मैंने कौ कम्बेसन अच्छा पारालाल कम्बेसन अच्छा पारालाल कम्बेसन फर्मूला है वन बै आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बै आर वन प्लस वन बै आर टू प्लस वन बै आर थ्री तो आर वैल्यू ए पुट करवा तो वन बै आर इक्विवेलेंट जगह के लिखा भि स्क्वायर डिवाइडेड बै पी ये आम के लिखा वन बै आर जदि एला आर वन केते हबो भि स्क्वायर भि तो सेम भि स्क्वायर डिवाइडेड पी किंतु अलग अलग पी वन आर टू केते हबो भि स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी टू आर थ्री केते हबो भि स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी थ्री एबे हमें पुट करिबा आर वन जगह रे केते पुट करिबा भि स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी वन प्लस वन बाय भि स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी टू प्लस वन बाय भि स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी थ्री एम आउ टे सजाड़ के लिखीद कौन हो पलब तो केते पी बाय भि स्क्वायर इज इक्वल टू पी वन डिवाइडेड बाय भि स्क्वायर प्लस पी टू डिवाइडेड बाय भि स्क्वायर प्लस पी थ्री डिवाइडेड बाय भि स्क्वायर तो पी को कौन सरी भि स्क्वायर को आम कौन करवा कमन नहीं आसवा रहा के पी इठी भी आम कौन करवा ना वन बै भि स्क्वायर को कमन नहीं आसवा रहा के पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री तो भि स्क्वायर कैनसल्ड तो रहा पी इफेक्टिव भी आम लिखिपर को पी इफेक्टिव या फिर इक्विवेलेंट जहाँ भी लिखने चलो इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री अच्छा ये जब आम कंडीशन नवा जदि समस्त पावर कौन थी ना सेम थी सेम पावर पाई दैट इज पी वन इज इक्वल टू पी टू इज इक्वल टू पी थ्री इज इक्वल टू पी तम समस्त पावर कौन ना सेम अच्छे तो ये कौन हम पी इफेक्टिव पी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पी प्लस पी प्लस पी दैट इज पी इफेक्टिव इज इक्वल टू थ्री पी मैंने तीनटा अप्लायंस मैंने तीनटा रेजिस्टर नहींनटा लोड नहींनटा लोड पर बाहर थ्री पी जदि आम एनटा नहीं था आमको जाना नहीं पाँचटा जब पाँचटा नहीं था फाइव पी होता जदि एन नंबर ऑफ लोड्स को आम कौन कंसीडर करते हैं पी इफेक्टिव आम के बाहर था एन पी मैंने ये फर्मूला आम नॉर्मली कौन ना कैपासीटर फर्मूला सहित कौन होना सामान अच्छे कैपासीटर भी या था सो ए फॉर्मूला को हमें कौन करूँ जिते बड़े पावर हमें पावर एफिशिएंसी कैलकुलेट करूँ जिते बड़े रेजिस्टर मैंने कौन थे बा ये जो लोड मैंने लोड मैंने कौन तुम्हें जेकोसी भी आप्लायंस लगे तुम चार्ज कर या फिर बल्ब जलाओ या फिर जहाँ भी जदि मैंने पारालाल थे आम फर्मूला ये फर्मूला यूज करूँ आदि मैंने सीरीज रे थे आम कौ फर्मूला यूज करूँ ना ये फर्मूला यूज करूँ देन आम देखा व्हाट इज पावर एफिशिएंसी पावर एफिशिएंसी तो पावर एफिशिएंसी माने हला केते की एफिशिएंट से डिवाइसटा केते पावर को कौन करछे ना केते पावर माने कौन आमे ताको जति की पावर दोचे इनपुट पावर आ से केते यूज करूछे से अनुसार आमे गोटे मेसीन बाजे कोनोसी भी जिनस केते एफिशिएंट आमे कौन करू ना कैलकुलेट करू ता रेशियो रो माने ता आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट रेसीयो रु आम तर एफिशिएंस को कौन करना कैलकुलेट करू आईटा सब कौती बाहर ना परसेंटेज बाहर तो आर को आम इटारे डिनोट करू इटा इज इक्वल टू
हमें कौन लिखू ना आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई इनपुट पावर इंटू 100% आपको हमें सब बड़े कौन करना परसेंटेज रे कैलकुलेट करूँ तो इटा इज इक्वल टू हमें एमती भी लिखी परिपा आउटपुट पावर माने कौन जो द पावर एक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस माने लोड जिते के कौन करू छी यूज करू छी त माने हमें इठ लिखी परिबा आउटपुट पावर माने हला द पावर एक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एक्सटर्नल सर्किट रे जति की यूज होची मा जति की यूज करू छी एक्सटर्नल सर्किट डिवाइडेड बाय इनपुट पावर माने कोन पावर ड्रॉन आउट ऑफ द सोर्स रु जति की जाउची त माने सोर्स रु जति की जाउची सेटाला इनपुट आमे त माने इनपुट दिया हला आउटपुट पावर माने कोन जति की लोड हमरो बा जति की हमरा अप्लायंस माने कोन कले ना जति की यूज कले तो तार रेशियो टा को कोन कोन दिना एफिशिएंसी कोन दी फॉर एग्जांपल जदे हमें कि छोटा एग्जांपल लाइक जेंती क्वेश्चन अछि कि धरनियो गोटे ट्रांसफार्मर अछि तो ताको हमें कोन करू छै ना धरनियो 2 लाख वाटर एनर्जी हमें तक कौन कौन दो चे आउ ये से 1,90,000 वाट अमाउंट रो पावर को कौन करुचे ना ट्रांसफर करुचे तो हमें यदि एफिशिएंट किसी ट्रांसफॉर्मर टा केते एफिशिएंट धरने हमको कौन कर ना कैलकुलेट कर हमें कौन करवा ना क्वेश्चन धरने धरने क्वेश्चन हमर है ए ट्रांसफॉर्मर यूजफुली ट्रांसफर 190,000 वाट ऑफ द 200,000 वाट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू इट कैलकुलेट हाउ एफिशिएंट इज ट्रांसफार्मर तो दिया है लाइट रे कौन एतिक अमाउंट रो एनर्जी से कौन करू छी ना ट्रांसफर करू छी जदी हमें ताकू एतिक अमाउंट रो एनर्जी दबा त माने एतिक हमें दो छे दैट इज एटाला इनपुट एतिक पावर हमें ताकू कौन दो छी दो छे एतिक पावर को से कौन करू छी ना ट्रांसफर करू छी तो एटा ट्रांसफार्मर टा केते एफिशिएंट हमको यदि कैलकुलेट करिया रछि हमें कौन करबा फार्मूला यूज करबा एटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100% या फिर हमें को जदि बुझापाई लिखा मत एटा तो फॉर्मूला धर नॉर्मली बुझापाई लिखुचे धरने यूजफुल पावर डिवाइडेड बाय टोटल पावर इनटू 100% तो एटा केते हिसिबो यूज केते करुचे से 190,000 केते हमें देचे 200,000 इनटू 100% आप यदि कैलकुलेट करवा केते बाहर 0.95 इंटू 100% तो यहाँ बाहर 95% ता माने एटा केते एफिशिएंट एटा होची 95% एफिशिएंट आमर रहूची तो ये भली फले भाव रे हमें कौन करी पारिबा ना एफिशिएंसी कैलकुलेट करे आ करी पारिबा तो जे बेसी एफिशिएंट सेटा हम पे बेसी भलो से जिंसटा तो एटा थिला हमर एफिशिएंसी रो फॉर्मूला ए सिंबल कोन दी इटा ए आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100% सो बळे कुते बारे परसेंटेज रे बारे हाउ इन अदर वर्ड्स आमे एठे आउ भी गोटे प्रकार करि परु एठी जो आमे लिखलु कि इटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर तो एठी आमे कोन लिखलु ना
इनपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर जदि आम कौन करना पावर जदि आम एटी कैलकुलेट करवा गोटे सेल नहीं कि धरनीय एटा है गोटे बैटरी बैटरी भितर किए अच्छी ना गोटे सेल आउ ईएमएफ आउ तार इंटरनल रेजिस्टेंस धरनीय आर आर ईएमएफ है इ कौन बैटरी गोटे पॉजिटिव साइड गोटे नेगेटिव साइड ई आसिक कनेक्ट हो गोटे एक्सटर्नल लोड सहित जार रेजिस्टेंस है लोड रेजिस्टेंस धरनीय आर तो करंट कौन है ना एमती फ्लो है धरने आई अमाउंट करंट आउ ये वोल्टेज वोल्टेज है कितने ना एक्रॉस भी धरने वोल्टेज है भी पोटेंशियल डिफरेंस भी आउ करंट फ्लो हूँ आई तो मैंने ये आम जब पावर बाहर करवा आउटपुट पावर तो कैसे हम आउटपुट पावर मैंने कौन आउटपुट पावर को आम एम लिख पार यूजफुल पावर और यूजफुल पावर तो यूजफुल पावर माने किए एठी लोड लगे मैंने लोड जितकी यूज करुचे तो लोड जगह तुम गोटे बल्ब लगे दियो या फिर चार्ज करो जहाँ भी करो तमें जितकी ये कौन कला ना लगला पावर ये जितकी स्पेंड कला दैट इज तमें यूजफुल जितकी हैला जितकी स्पेंड कला तो मैंने एठी जब आम पावर कैलकुलेट करवा कमी कैलकुलेट करवा तो पावर आम पाखे कौन थी ना तीन टा फॉर्मूला जो आमर पावर थिला से गोटे फॉर्मूला थिला सीरीज पई गोटे फॉर्मूला थिला पैरेलल पई आउ गोटे फॉर्मूला ए फॉर्मूलाटा पी इज एच इज इक्वल टू भि आई टी जो बैटरी पई यूज करिया बोली कथा हेतले जते बेले हीट पई यूज करिया केते हीट प्रोड्यूस करूची आउ पी इज इक्वल टू भि आई माने जति की पावर प्रोड्यूस करूची तो ए फॉर्मूला को हमें कोन करिवा ना एबे केस रे यूज करिवा काहे ना बैटरी केस रे ही हमें कोन करिवा ना सी फॉर्मूला को यूज करू पावर कैलकुलेट करिया पई तो एठी ताले को हबो जदी P इज इक्वल टू भि आई एटी वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस के एक्रॉस द बैटरी भी आउ करंट है कितने आई तो आउटपुट पावर जगह आम कौन लिख पार भि आई डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मैंने कौन ए सेल जी कौन करुचे ना पावर सप्लाई करुचे जी दौर तो एठू के दौर आर जदि ईएमएफ है जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर ताले पावर केते हबो से एका फॉर्मूला तो ये भी जगह आम कौन लिखी पार ईएमएफ टोटल एनर्जी आउ आई है आमर करेन्ट तो सब सेम ही रोज तो इनपुट या फिर टोटल पावर जगह आम कौन लिखी पार ना इन टू आई एफिशिएंसी तो इटा इज इक्वल टू बाहर भि आई डिवाइडेड बाय इन टू आई 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 कैनसल भि डिवाइडेड बाय ई जदि आम चाहे पुणी फर्मूला यूज करो फर्मूला कि आम जाचे भि इज इक्वल टू आई आर आउ इज इक्वल टू ई रैल्यू आम ईएमएफ रु बाहर करते रिलेसन रु इज इक्वल टू आई आर प्लस आर तो ये जदि आम यूज करवा से फर्मूला भि जगार आम के लिखा भि जगार आम लिखा आई आर डिवाइडेड बाय ई जगह लिखा बा ईएमएफ जगह लिखा आई आर प्लस आर तो आई आई कैनसल हो गला रहा के आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर तो एटा इज इक्वल टू के इटा तो एफिशिएंस रो फॉर्मूला हमको एटा भी गोटे मिलूँ तो इटा है नॉर्मली आमर मात्र जो सेल को कंसीडर करूचे जिते देखुचे कि आउटपुट पावर माने कौन पावर एक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस माने ए रेजिस्टेंस जितकी पावर सेंड करुची आउ ये जितकी दौची आर एफिशिएंसीटा जेकोसी भी सर्किट रतब कौन करू ना ये फॉर्मूला को यूज करू दैट इज इटा इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर वेयर आर टा है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉलर और कैपिटल आर टा है कौन लोड रेजिस्टेंस देन वी विल डिस्कस अबाउट मैक्सिमम पावर थ्योरम आपको भी एमती भी कहते मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी आपको कहते तो नॉर्मली मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कौन कहे ना कि गोटे बैटरी अच्छी बैटरी रू कौन जा एनर्जी दौर पावर दौर तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर केते बेले हबो ना सोर्स रो लोड को जेते बेले बैटरी रो इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हबो आमरो लोड रेजिस्टेंस सहित ता माने धरिनियो एटा ला गोटे बैटरी अछि ठी आ भितर अछि कोन सेल
या फिर मैं गोटे सेल नौचे या भितर कौन अच्छे ना ईएमएफ आर है ई धरीनि आर इंटरनल रेजिस्टेंस है धरीनि आर ये कनेक्ट होटाला पॉजिटिव साइड एटा नेगेटिव साइड साइड ये कनेक्ट हो गोटे एक्सटर्नल लोड सहित धरीनि ये लोड र रेजिस्टेंस है कैपिटल आर आउ सेल बैटरी रो इंटरनल रेजिस्टेंस के स्मॉल आर आउ ईएमएफ अच्छी ई तो सी कौच कि यही सोर्स रु मैक्सिमम पावर ये ट्रांसफर हे लोड को ट्रांसफर हे केते ना जितेबले ए लोड रेजिस्टेंस दैट इज आर इज इक्वल टू हे बैटरी सेल इंटरनल रेजिस्टेंस सहित ताने जिते बड़े आर इज इक्वल टू आर हे से मैक्सिमम पावर एठू एठिकी लोड को हमारा ट्रांसफर हे तो नॉर्मली आम जानचे आई इज इक्वल टू सेल पढ़े ईएमएफ सेल आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर वेयर ई है कौन ईएमएफ ऑफ द सेल आर है लोड रो रेजिस्टेंस आउ स्मॉल आर है कौन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आउ आई है जितकी करेन्ट कौन हूँ ना फ्लो हूँ रेजिस्टेंस दे लोड दे तो आम जानचे पी इज इक्वल टू कौन आई स्क्वायर आर आई ऑलरेडी गिवन दे दीजिए तो पी आम कौन कर पारिबा ना बाहर कर पारिबा तो पी इज इक्वल टू केते हबो आर स्क्वायर तो माने ई रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर रो स्क्वायर इनटू आर देन पी इज इक्वल टू केते हबो ई रो स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी रो होल स्क्वायर ताको पिटे दियो आर स्क्वायर प्लस 2RR ये कौन करवा ना गोटे 2RR प्लस करवा आ गोटे 2RR माइनस करवा एका जिनस तो ये आम कौन कले ना माइनस 2RR कले प्लस 2RR कले कि असुविधा नहीं आम कौन करवा ना सिंप्लीफिकेसन एप्सिलॉन सॉरी ई रो स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय एबे आमे कोन करिवा ना आर आर स्क्वायर आउ माइनस टू आर आर को गोटे जगह रखिबा आउ ए दिटा को कोन करिवा ना गोटे जगह रखिबा तो आर स्क्वायर माइनस टू आर आर को गोटे जगह रे प्लस टू आर आर प्लस टू आर आर ए टू आर आर आउ ए टू आर आर को कोन कले ना आमे गोटे जगह रखिले देन पी इज इक्वल टू ई रो स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय एटा कहार फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी रो फॉर्मूला को ए माइनस बी रो होल स्क्वायर ता माने आर माइनस आर रो स्क्वायर प्लस ये सेम सेम अच्छी मिसी वाला केते जो फोर आर आर तो एटा मोर बाहला पावर ए फॉर्मूला को आई पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर को यूज करके हमें कौन कर लेना ना पावर बाहर कर ले देन मैक्सिमम पावर थ्योरम कौन कहे कि सोर्स रु लोड को मैक्सिमम पावर केते ट्रांसफर हम जितेबले ए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ए रेजिस्टेंस हम दैट इज आर इज इक्वल टू आर तम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जितेबले इंटरनल रेजिस्टेंस हम तो जदि आम केस नबा कि आर इज इक्वल टू आर ताहले कौन हम ए आर इज इक्वल टू एठे आम कौन नबा जदि कैपिटल आर करवा ताहले एटा कौन हो टोटल टर्मटा जीरो हो जिवो आउ एठी कौन हो जिवो ना फोर आर स्क्वायर हो जिवो ता माने पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनटू आर डिवाइडेड बाय ए टर्म टा गला जीरो प्लस फोर आर स्क्वायर तो ई रो स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय फोर आर स्क्वायर आर आर कटिगले ई रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर आर इज इक्वल टू पी तमाने मैक्सिमम पावर केते बेले ट्रांसफर हो जिते बेले आर इज इक्वल टू आर आर फॉर्मूला केते बाहला कि ई रो स्क्वायर दैट मीन्स ईएमएफ रो स्क्वायर इज इक्वल टू फोर इंटू जिते बेले आर है कौन लोड रेजिस्टेंस तो एटा आमर कौन कौच ना कि पी पावर मैक्सिमम केते बेले हबो ना जिते बेले ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए कंडीशन को हबो ना फॉलो हबो तो एटा आमर हला मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम।